अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यह मेरा घर है और मेरे घर से मेरे अब्बू की कब्र कितनी दूरी पर है दिखाता हूँ। और मेरे अब्बू के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करिए। ठीक है, ये रोड है, ये रोड है, वो आगे से जो दिख रहा है वहीं मेरे अब्बू की कब्र है, दिखाता हूँ। और उनके हक में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करिए। एकदम लास्ट में जो दिख रहा है दिखाते हैं, थोड़ा सा रोक लें। वो जो बाउंड्री दिख रही है एकदम लास्ट में, देखिए उधर ही है, दिखाते हैं। वो बाप खुश नसीब होते हैं जिनके बेटे उनके कब्रों पे जाकर दुआएं करते हैं, अल्लाह से रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अपने बाप के लिए, माँ के लिए, बाबा के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको बख्श दे, उनके गुनाहों को माफ़ कर दे। ये आ गया, इधर से वो जो बाउंड्री दिख रही है वही है कब्रिस्तान। दिखाता हूँ, अस्सलामु अलैकुम या अहल अल कुबूर, यगफिरुल्लाहु लना वलकुम अंतुम सलफूना व नहनु बिल असर। ये है कब्रिस्तान है और ये है हमारे अब्बू की कब्र। इधर ये कोने से इधर इस साइड में है, इस साइड में। ऐ अल्लाह मेरे अब्बू जान की गुनाहों को बख्श दे, उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमा, उनके गुनाहों को बख्श दे। ऐ अल्लाह मेरे अब्बू की कब्र को नूर से भर दे। ऐ अल्लाह मेरे अब्बू की गुनाहों को माफ़ कर दे, क्योंकि तू ही तो गुनाह माफ़ करने वाला है, हम सब तेरे बंदे हैं, तू ही हमारा खुदा है। अब्बू की कब्र है इसमें, देखिए मरने के बाद कोई कुछ लेकर जाता नहीं है, वो नेक औलादें होती हैं जो कि मरने के बाद काम आती हैं, और नेक आमाल होते हैं जो मरने के बाद काम आते हैं।